दोस्तों मेरा नाम नवीन बल्ला है। आज हम पैसिफिक गल्फ स्टेट के बारे में फिर दोबारा बात करेंगे कि उसमें कौन से फ्लैट किस साइज के अवेलेबल हैं। फिलहाल हमारे मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल्स वह दी गई हैं, जिसमें 3 BHK 1925 स्क्वायर फीट, फिर पेंट हाउस 1900 स्क्वायर फीट, जिसके साथ टेरेस 687 स्क्वायर फीट की लगती है, और वो उसकी जो लोकेशन है वो माउंटेन व्यू है। फिलहाल उसकी अवेलेबिलिटी तो हमारे पास सिर्फ एक या दो की रह चुकी है। आज हम एक ऐसे साइज के बारे में बात करेंगे जो हमें भी नहीं पता था, ये भी एक क्लाइंट के थ्रू ही हमें पता चला। वो कैसे कि जैसे हमारे इस प्रोजेक्ट में 1, 2, 3 एंड 4 BHK, 4 BHK हम उसे कह सकते हैं, जैसे पेंट हाउस है, पेंट हाउस 3 BHK नीचे एंड अपर पे 1 BHK, यानी टोटल 4 BHK। अब एक रिक्वायरमेंट एक क्लाइंट की ऐसी आई कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि 5 BHK चाहिए या 4 BHK चाहिए एक ही फ्लोर पे। तो हमें इस बारे में हम काफ़ी क्लाइंट्स की डिमांड आती थी लेकिन हम मना कर देते थे। लेकिन इसमें क्या रहता था कि फिर हमने कुछ प्लान किया कि आखिर उसको 4 या 5 BHK अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है तो उसको हम कैसे कैसे दे सकें एक ही फ्लोर पे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 1800 फ्लैट्स हैं, 3 BHK का अलग टावर है, 2 BHK का अलग टावर है। अब हमें प्रॉब्लम फेस करने को कहाँ मिलती थी कि जब एक दो फ्लैट को अगर हम मर्ज करते हैं तो हमें मर्ज वो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इजीली वॉल रिमूव हो सके, जिसमें कि अगर रिमूव हो जाती है और एक ही लाइन में दो फ्लैट होते हैं तो 4 BHK का पैटर्न बन जाता है, और ऐसे ही 3 BHK का पैटर्न में भी अगर हम दो क्लब करते हैं तो 6 BHK का पैटर्न बन जाता है। लेकिन उसमें ये आता है कि हमारे यहाँ पे जो फ्लैट हैं, जैसे एक ही फ्लोर पे जहाँ पे हम उसको क्लब करते हैं वहाँ पे पता चलता है कि एक फ्लैट सोल्ड होता है और एक फ्लैट अवेलेबल होता है, और जहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी निकलती भी है तो वहाँ पे वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। क्योंकि उसमें क्या है, देखिए आज क्या है कि अगर आप जब ये 4 BHK का या 5 BHK का पैटर्न देखेंगे तो आप सोचने का टाइम भी उसमें रखेंगे कि भाई आपने 15 दिन, आपको एक महीना भी चाहिए कि आखिर ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, या उससे कंपेयर कोई और प्रॉपर्टी भी आप करेंगे। लेकिन तब तक क्या रहता है हमें कि उसमें एक फ्लैट सेल हो जाता है जिसकी वजह से वो पैटर्न बिल्कुल खराब हो जाता है, यानी कि जो मेन रिक्वायरमेंट है जैसे 4 BHK या 5 BHK वो बन नहीं पाता उसमें। तो अब जस्ट मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी मैं इसकी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ 4 और 6 बेडरूम की, जिसमें सॉरी एक 5 BHK भी है, तो उसमें बस थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो के समझने में, लेकिन मेरी 99% कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरा एक्सप्लेन उस वीडियो में मैं करूँ। बाकी तो जब आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको भी कुछ इस बारे में क्लियर होगा कि क्या वो ठीक है, या कोई क्वेश्चंस हैं तो वो तो कोई बात नहीं, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी उसमें फिर उसको मर्ज करके उसका एक लेआउट बनाया जाएगा जो मैं आपको सेंड करूँगा, और बस ये क्या उस साइज में अगर आपकी प्लानिंग बनती है, अगर आपको वो क्लिक करता है तो उसमें यस या नो हमें इमिडिएटली रिस्पॉन्स चाहिए, लाइक चाहे वो विद इन 4 डेज 5 डेज या 7 डेज के अंदर, क्योंकि वो पैटर्न ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, क्योंकि उसमें अगर एक भी अगर फ्लैट सेल आउट हो जाता है तो वो पैटर्न ख़राब हो जाता है। और अभी हम पैसिफिक गोल्फ की तरफ ही चलते हैं, अभी हम जो है सहस्त्रधारा रोड की तरफ है, और अभी मैं आपको उसके डायरेक्शन क्लियर करता हूँ कि हमारे मेन रोड पर इसका गेट है पैसिफिक गोल्फ का, तो हम एंटर करेंगे उस प्रोजेक्ट की तरफ, फिर उसके बाद उस फ्लैट पर चलेंगे जिस फ्लैट के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलें सर, थैंक यू। हाँ, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, अब हम ये हमारी सहस्त्रधारा रोड है, राइट। बस थोड़े सा वीडियो हो सकता है कि ब्लर या थोड़ी हिल्दी हो, क्योंकि चलाने वाला भी मैं ही हूँ और वीडियो बनाने वाला ही मैं ही हूँ, एक हाथ में स्टेयरिंग है और एक हाथ में मेरे सेल्फी है, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। अभी मैं जस्ट सिर्फ 10-20 स्पीड में मैं चला रहा हूँ गाड़ी, और वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ ये पीछे कैशाली चौक पड़ता है जो गोल चक्कर है, उस गोल चक्कर से
आप अगर पैसिफिक गोल्फ की तरफ से वापस अगर आते हैं तो आपको वहां से राइट अगर टर्न करेंगे तो सीधा राजपुर रोड पे पहुंचते हैं, यानी कि मैक्स हॉस्पिटल एंड पैसिफिक मॉल हमारे 10-15 मिनट की ड्राइव पे ही है। और बाकी अगर सीधा चले जाते हैं तो आप सीधा सहस्त्रधारा क्रॉसिंग में पहुंचते हैं। ये हमारे सामने बाहर से नजर आ रहे हैं, ये पैसिफिक गोल्फ स्टेट है, उसके अपार्टमेंट्स हैं राइट। और अभी हम जस्ट गेट की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा पैसिफिक गोल्फ स्टेट आ गया और ये हमारा मेन गेट आ गया। इस जगह पे मैं अपनी गाड़ी पार्क करूंगा और इसके बाद सीधा सीधा फ्लैट पे ही चलेंगे। फिर बाकी बाहर का जो भी है उसकी कुछ फोटोज वगैरह मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में मैं डाल दूंगा, जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी जी। थैंक यू दोस्तों, मैंने पार्किंग में से गाड़ी निकाली है, अब हम से फ्लैट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे 3700 स्क्वायर फीट जो दो फ्लैट को मिला के बनता है, जो टोटल 5 BHK का अपार्टमेंट है उससे अब वो उस फ्लैट के डायरेक्शन से पहले, मतलब उस फ्लैट तक पहुंचने से पहले बीच में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, मतलब क्या क्या बनाई हुई हमने, वो सारी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करता हूं। तो चलिए वीडियो चलते हैं हम। ये सर 1 BHK का टावर है टोटल, जिसमें 700 से लेकर 1100 स्क्वायर फीट का साइज है। ये सारा सोल्ड आउट है, इसमें फैमिली ऑलरेडी शिफ्टेड है। और इसी के नीचे क्लब हाउस है, जिम, योगा सेंटर, मिनी थिएटर एंड स्विमिंग पूल, और भी एक्टिविटीज लाइक जैसे कैफेटेरिया हो गया, मिनी थिएटर हो गया, काफ़ी हद तक काफ़ी एक्टिविटीज इसमें है। अब ये हम यहाँ से टर्न कर रहे हैं, टर्न करने के बाद ये हमारे राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं ये टावर बी है, टावर बी जो 2305 और 2350 स्क्वायर फीट का साइज है। ये 3 BHK का अपार्टमेंट है जो ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट है 80%, जिसमें फैमिलीज भी शिफ्टेड हैं एंड इसमें कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे बास्केटबॉल कोर्ट एंड बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये गार्डन बनाया हुआ है जिसमें ओपन जिम भी है। ये सामने माउंटेन का व्यू है। और अब हम यहां से राइट टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न लेते ही हमारा टावर सी स्टार्ट हो जाता है। ये टावर सी है जिसमें 2-3 साइज आते हैं, एक मिनिमम साइज टाइट होता है 1925 स्क्वायर फीट जो 3 BHK का अपार्टमेंट है। और इसके बाद फिर 2350 स्क्वायर फीट का साइज भी इसमें है, वो भी लिमिटेड फ्लैट ही अवेलेबल है इसमें। ये नीचे आप देख रहे हैं ये पार्किंग है -1 -2। अब हम इससे भी आगे जा रहे हैं, अब इससे आगे जाके राइट टर्न पे अगर राइट टर्न लेते हैं तो हमारा एक 2 BHK का टावर आता है जो टावर डी है। उस टावर डी के अंदर हमने दो फ्लैट को मर्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो दोनों को मिला के नियर वो 3700 स्क्वायर फीट का साइज आता है। इसका ये प्लस पॉइंट है कि ये फ्लैट दोनों को मर्ज करते हैं तो 3 साइड कॉर्नर का पैटर्न बनता है और दोनों साइड इसका व्यू ऐसा है, एक साइड पूरा गोल्फ कोर्स आपको नजर आएगा और एक साइड आपको पूरा माउंटेन व्यू नजर आएगा।
और इस पैटर्न के हमारे पास सिर्फ दो ही फ्लैट हैं, फिफ्थ फ्लोर एंड सिक्स्थ फ्लोर। वीडियो हिल रही है, ब्लर हो रही है, वो गाड़ी चला रहा हूँ तो इस वजह से फिलहाल काफ़ी हद तक आपको क्लियर ही वीडियो मिलेगी। और आप ये देखिए, ये हमारे लेफ्ट साइड पे 1 BHK का टावर है जिसका साइज 580 स्क्वायर फीट का आता है। और ये हमारे टावर सामने अगर आप देख रहे हैं, ये ई और एफ टावर है। ये अभी हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी आना है और उसके बाद ही इसकी बुकिंग हम लेना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हम गाड़ी को पार्क करते हैं और ये राइट साइड में जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में फिफ्थ और सिक्स फ्लोर पे हमारे पास दो पैटर्न पड़े हुए हैं, जो दो फ्लैट को मर्ज करके 3700 स्क्वायर फीट का फ्लैट बनता है, जो थ्री साइड कॉर्नर और जिसमें तीनों साइड व्यू मिलता है आपको। तो चलते हैं उस फ्लैट की तरफ, फिर वहीं से आपको दिखाता हूँ लोकेशन। हाँ जी फ्रेंड्स, ये अब हम पहुँच गए हैं दो फ्लैट जिसको मर्ज करने के बाद 3700 स्क्वायर फीट का साइज बनता है, जो थ्री साइड ओपन फ्लैट है। एक साइड गोल्फ का पूरा व्यू मिलता है और दूसरी साइड माउंटेन का पूरा व्यू मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मर्ज करने के बाद क्या पैटर्न बनता है, हम क्या एक्टिविटी उसमें और कुछ भी मतलब मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कैसे हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलते हैं इस फ्लैट की तरफ। ये सामने लिफ्ट, ये लॉबी, ये सामने गोल्फ एरिया है, राइट। ये हमारा कॉरिडोर है, ये लास्ट के दो फ्लैट हैं। राइट साइड वाला जो फ्लैट है 2030 स्क्वायर फीट का साइज है, जो कि 3 BHK का फ्लैट, और लेफ्ट साइड पे 1680 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जो कि 2 BHK का साइज है। ये कॉरिडोर है, अगर ये दोनों फ्लैट को हम मर्ज करते हैं तो ये कॉरिडोर आपका पर्सनल बन जाता है। यहाँ पे आप गेट लगा सकते हैं और अंदर कुछ भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बस ये है कि इन दो फ्लैट का जो भी प्राइस आएगा, इसका भी थोड़ा सा चार्ज किया जाएगा। अब चलते हैं फ्लैट की तरफ। ये हम एंटर कर रहे हैं 2030 के फिट का साइज, जो कि 3 BHK का अपार्टमेंट है। एंटर करते ही सबसे पहले हमारा लिविंग एरिया आता है, ये सामने बालकोनी है, ये हमारा डाइनिंग एरिया आता है। यहाँ से हम एंटर करेंगे किचन की तरफ, जिसमें हम सब मॉडर्न कंप्लीट कवर्स वाला बना के दे रहे हैं, जो ऑलरेडी फिटिंग्स भी हो रखी हैं इसमें। ये चिमनी एंड रूफ टॉप भी आपको मिलेगा, और सामने वॉशिंग एरिया है, ये शाफ्ट है वेंटिलेशन के लिए। अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि मास्टर बेडरूम है। ये हमारा मास्टर बेडरूम, जिसमें वुडन लुक में टाइल्स हमने दी हुई है। इधर से भी आप बालकोनी में जा सकते हैं, साथ में ये अलमीरा भी दे रहे हैं। ये अटैच टॉयलेट, ये इसका सेकंड बेडरूम है, साथ में अलमीरा भी दे रहे हैं। यहां से भी आप बालकनी में जा सकते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम। अब हम थर्ड बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, ये इसका थर्ड बेडरूम है, यहां से भी आप बालकनी में जा सकते हैं, और ये इसका अटैच टॉयलेट, यहां पे वार्डरोब बनाया हुआ है। अब इस बालकनी में जाके देखेंगे कि वहां से क्या व्यू मिलता है हमें। ये देखिए, ये 15 एकड़ का गोल्फ कोर्स है जिसमें 9 होल्स बने हुए हैं। ये प्रॉपर सन फेस है,
इसमें आपको पूरा दिन धूप मिलेगी इस फ्लैट में। अब हम इसके सामने वाले फ्लैट की तरफ चल रहे हैं, जिसका साइज 1680 स्क्वेयर फीट का साइज है, जो कि 2 BHK का है। वहां से क्या व्यू आता है, कैसे पैटर्न बना हुआ, वो वहां पे चल के देखते हैं। एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे स्टडी रूम आता है, फिर ये लिविंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया, यहाँ पे भी एक किचन जो बनी हुई है। साथ में ये सारे कवर्स वगैरह आपको कंप्लीट जो पिछले वाले फ्लैट पे हैं यहाँ पे भी सेम है। चिमनी भी मिलेगी आपको एंड रूफ टॉप भी मिलेगा एंड वॉशिंग एरिया भी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम, जो ड्राइंग रूम से एंटर करते हैं वॉशरूम में, कोई भी गेस्ट अगर आते हैं तो उस वॉशरूम को यूज़ करते हैं। तो आप सर्वेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इस वॉल को भी आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे एक ये वाला जो स्पेस है ये सर्वेंट को यूज हो सकता है, अगर ये सारी चीजें आप हटा देते हैं। यहां से ये वॉल जो 4 इंच की है, आप वॉल बना के ये एक सेपरेट रूम बन जाता है सर्वेंट के लिए। ये वाली जो एंट्री है, ये एंट्री भी आप यहां पे भी वॉल बना के एक सर्वेंट के लिए अलग से एंट्री दे सकते हैं। अब इस फ्लैट पे हम फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये इसका फर्स्ट बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है, जिसमें वुडन लुक टाइल्स दी हुई है। ये सामने बालकोनी है और इसके साथ ये अलमीरा है और साथ में अटैच टॉयलेट। ये इसका सेकंड बेडरूम जिसके साथ भी अलमीरा है, यहां से भी आप बालकोनी में जा सकते हैं। ये इसकी बालकोनी है, यहां से ये वाला व्यू आता है। ये हमारे सामने ई और एफ टावर है, जिसकी अभी हमने बुकिंग लेना शुरू नहीं की है, जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी आना है। ये एल शेप में बालकोनी है, सेम जो कि दूसरे फ्लैट में भी हमने देखा था। ये देखिए, अब इसी के साथ वाला जो फ्लैट है जो 3 BHK का जो हमने देखा, जिसको हम मस्ट करते हैं साथ में, तो इसकी बालकोनी भी यहाँ से नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। सॉरी, आई थिंक नहीं नज़र आ रही, कोई बात नहीं, वो मैं आपको लेआउट में क्लियर कर दूंगा। ये देखिए, दोस्तों अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपने डिटेल लेनी हो या कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके रह गए हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए। वैसे तो काफ़ी हद तक मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैंने पूरी डिटेल्स पूरे मतलब एक लाइव वीडियो आपको मैंने दिखाई है, लेकिन फिर भी ये दो फ्लैट को मर्ज करने में कहने कहीं माइंड में रह जाता है कि आखिर उसको कैसे हम चेंजेस करें। तो उस चेंजेस के लिए या उसकी प्लानिंग अगर आप करते हैं कुछ भी मतलब लाइक कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे एक बार कॉल कीजिए। तो फिर एक बार मिलके फ़ोन पे बात करके या एक बार मिलके बात करके इस चीज़ को हम समझेंगे। और लेकिन ये इस साइज की सिर्फ 2 ही यूनिट अवेलेबल है, ओनली 2,
वैसे तो पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास तीन थी, एक सोल्ड हो चुकी है, दो अवेलेबल है, एक फिफ्थ फ्लोर पे, एक सिक्स फ्लोर पे। लेकिन ऑलरेडी क्लाइंट की विजिट यहाँ पे कल हुई है, तो अब उनमें से किसका रिस्पॉन्स सबसे पहले आता है, अगर आ जाता है आज और कल की डेट में, तो ये भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो चलते हैं प्लीज़। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने स्मॉल साइज के भी साइज मैंने वीडियो वगैरह पोस्ट की हुई है, और मैं चाहता हूँ कि हर इन्फॉर्मेशन पैसिफिक गोल्ड स्टेट से रिलेटेड जो भी है वो आप तक पहुँचे। और बाकी तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू, माई सेल्फ नवीन बल्ला, गुड बाय।